कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों, आज हम अभी आए हैं, मैं और राकेश जगवाल, नंदा देवी प्रांगण में। और नंदा देवी मेले के बाद जो है ये दुर्गाष्टमी का जो है मेला लगा हुआ है, और आज दुर्गाष्टमी है। और हम जो है आज आपको दिखाएंगे नैनीताल का ये दुर्गाष्टमी का मेला। और क्या दिखाएंगे? हाँ, और दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा वगैरह पीछे चल रही है, वो हम आपको दिखाते हैं। और थोड़ा हम आपको जो है मार्केट के मेले में भी लेकर के जाएंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट, और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़।
इधर हम जाते हैं थोड़ा सा मार्केट लगी हुई, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा मार्केट का दृश्य है। तो अब हम बीच में खड़े हो गए, आप किधर को जाएंगे भाई लोग? सीधे चलिए, तो आगे जा कर के हम आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा बहुत कुछ। दुकानें थोड़ा बहुत लगी हुई हैं, जो नंदा देवी मेले में थी उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हैं। हाँ चलो, पहले हम लोग दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं, अगर हमको लगेगा कि कुछ है खरीदने लायक तो फिर हम खरीदेंगे, फिर देखेंगे, क्योंकि पैसा हम लाए हैं उधार मांग करके। क्यों? और गौरव भाई हमारे बहुत ही देर में आए, तो इनके चक्कर में हमको एक और शूट करना पड़ा, लेकिन उसके चक्कर में ये हुआ कि आप लोगों के लिए भी जो है एक अच्छा जो है क्या वीडियो, हाँ वो मिलेगा। और एक हमारे इधर वो दिख रहा है भी जी, और तो अमित शाह जी भी आ गए हैं। कैसे हैं और बढ़िया है, आप बताइए। महिला घुमाई हो रही है? मेरा घुमाई हो रही है। आप और मैं तो बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। वही तो लोग कह रहे मुझसे कि यार वो तो कह रहा मेरा अमित का सोचा करके सारे यूट्यूबर हैं, और मैं तो दोस्तों बहुत टाइम से आ नहीं पाया, बीमार चल रहा था 15-20 दिन से। हम भी आज ही आए। हाँ तो बाहर गए, जुड़वा लग रहा है। हमने तो इसके बारे में, मेले के बारे में कुछ बताया नहीं, आप लोग कुछ बता दो। देखिए मेला जो है अभी 6 तारीख से चलेगा, यहाँ पर दुर्गाष्टमी में मेला होता है हर साल, तो अभी इसका एक दिन बढ़ा दिया गया है एक दिन, तो 6 तारीख तक ये मेला चलेगा। बाकी यहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हैं, अलग अलग तरह की कपड़े मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जो घरेलू महिलाओं के भी बहुत सारे काम की आ सकती हैं, और घर के लिए आपको किसी के लिए भी घर के काम की आ सकती हैं। छोटे बच्चों के झूले लगे हुए हैं, उसके अलावा खाने पीने के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, तो आप लोग जाके इन्जॉय कर सकते हैं। तो अभी 6 तारीख तक है, तो अभी 3 दिन है आपके पास, और आपके आप लोग इन्जॉय कर सकते हैं मेले में। बिल्कुल, और आप लोग अपने अपने चैनल के बारे में भी बता दो, तो नहीं कौन कौन सा चैनल है? बिल्कुल, देखिए मेरे चैनल का नाम है आदित्य खुराना ब्लॉग्स। तो ज़्यादातर मैं नैनीताल की वीडियोस डालती हूँ, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि बाहर गए हुए थे पिंडारी ट्रैक पे, तो वहाँ के भी वीडियोस हैं, तो आप लोग देखिए। अगर आपको पसंद आए चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल का नाम अनमोल नेगी ब्लॉग्स। मैं भी मेनली कहते नैनीताल के ब्लॉग्स बनाता हूँ, और अभी घूमने गया था मैं अभी साथ, तो कहते हैं मैंने भी पिंडारी बनाया, आप देखिए। तो दोस्तों मेरा जो चैनल है उसका नाम है अमित शाह व्लॉग्स, तो जरूर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। आपका तो बहुत से लोग देखते हैं, हमारे तो रिश्तेदार वगैरह भी अच्छा बोलते हैं कि भाई हमसे अमित शाह के बड़े अच्छे, हमें पता चलता है। अरे वाह, क्या हो रहा है। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ये तो। ठीक है, चलिए दादा, बड़ी अच्छी मुलाकात रही आपसे, और हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। ओके बाय। जैकेट तुम कितने की कर दो? 800-900 की। इनकी बना लेंगे, सबके बना लेंगे। बहुत बढ़िया है, बरेली। और ये क्या चीज़, ये क्या चीज़ है? ये दुपट्टा है। अच्छा दुपट्टा है। हाँ अच्छा, बरेली से कॉटन दुपट्टा, कॉटन 50 रुपये की सेल। अच्छा 50 का एक है। चलो हम देख कर आते हैं और देखें। अरे सब कर ले, 50 रुपये की है, वायरल आएगी वीडियो। अरे ₹100 का जोड़ा दे रहा भैया, कश्मीरी सॉल्ट। ₹100 का जोड़ा दे रहा है, कश्मीरी सॉल्ट का ₹100 का जोड़ा है। देख लो दीदी, चले जाओ दीदी, जोड़ा है ले जाओ। अरे मिल गया मामा, जोड़ा
हमारे बॉस मेन बॉस भैया क्या तो दोस्तों आज हम आपको लेकर के गए थे नैना देवी मंदिर प्रांगण में और वहाँ पर हमने आपको दिखाया दुर्गाष्टमी की पूजा। आज दुर्गाष्टमी है और दुर्गा क्या है दुर्गा महोत्सव। हाँ दुर्गा महोत्सव 2022 में हमने आपको जो है फ्लैट्स मैदान में मेले का भी कुछ दृश्य दिखाया। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।